तो हाउ आर यू। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.1 सिक्स क्लास मैथ्स मैस्टिक पैटर्न। इसमें मैस्टिक पैटर्न है कि हमने माचिस से जो पैटर्न तैयार करना है। नंबर ऑफ मैस्टिक पैटर्न रिक्वायर्ड मैस्टिक रिक्वायर्ड 2n। इसमें एंड क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, वी ऑलरेडी नाउ द रूल ऑफ द पैटर्न ऑफ लेटर्स एल सी एंड एफ। हमने क्या किया था, एल इसके लिए देखो कितनी मैस्टिक चाहिए, टू। सी इसके लिए कितनी मैस्टिक चाहिए, वन टू एंड थ्री। तो इसके लिए जो रूल है वो 2n है, इसके लिए रूल क्या है 3n का। आगे क्या है, F, F के लिए एक मैस्टिक, फिर टू, फिर थ्री। 3n जो है वो F के लिए मैस्टिक का ये 3n है, ठीक है। इसके लिए हमने ये रूल किया है। मतलब क्या है कि इस n के जो है ये एग्जांपल ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। अगर हमने एक L बनाना है तो उसके लिए क्या रूल लगेगा, 2n। अब इसके लिए हमने अगर दो L बनाने हैं, ये देखो दो L बनाने हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4। इसके लिए क्या होगा, 4n। कितनी मैस्ट्रिक लगी, 1 2 3 4, 4 लगी ना मैस्ट्रिक इसके लिए। और इसके लिए कितनी लगी है, 3। तो सबके लिए जो है अल्फाबेट से वो चेंज होते रहते हैं, 2n 3n। यानी कि अगर हम जितने ज़्यादा बनाएंगे, अगर वो कहेगा तो उसको कितने मैस्टिक यूज़ करनी पड़ेगी। अगर 2l बनाएंगे तो अलग लगेगा, रूल लगेगा। अगर 3l बनाएंगे या 4l बनाएंगे, वो कह रहे हैं कि सम होता इसके लिए क्या है, 3n का यूज़ लगेगा। अब उसके बाद क्या है, सी, सी के लिए कौन सा रूल यूज किया है, 3n का। अब 2n है, 2l यूज किए है, इसके लिए कितनी मैस्ट्रिक लगी है, 4। अगर 3l यूज करने हैं तो इसके लिए कितनी लगेंगी, 6, ठीक है। अगर 4l यूज करने हैं तो इसके लिए कितनी लगेंगी, 8 मैस्ट्रिक। यानी कि रूल क्या है, 2n इसके लिए। अगर 3 बनाना है, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, और 2 × 4 = 8, ठीक है। ये n के अकॉर्डिंगली है, n जो है वो वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। अगर हमने 100l बनाने हैं, अगर हमने 100l बनाने हैं या 50l बनाने हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कितनी मैस्टिक लगेगी हमारे पास। अगर हम इस तरह जोड़ेंगे कि कितनी मैस्टिक लगेगी, तो हमें अलग अलग काउंट करना पड़ेगा, हमारे पास बोर्ड भी छोटा रह जाएगा, या पेपर पे करेंगे उस पर भी छोटा रह जाएगा। तो हमें रूल कौन सा यूज करना है, 2n का, ठीक है। अब अगर उसने कहा है कि हमें कितनी मैस्टिक लगेगी अगर 50 बनानी है, 50 बनानी है, n क्या है, 50 डबल हो जाएगी ना, 100 मैस्टिक हम यूज करेंगे किसके लिए, अगर 50l बनाने हैं। अगर हमने 100l बनाने हैं तो क्या कितनी मैस्टिक लगेगी, फॉर्मूला वही रहेगा, 2n। तो कितना हो जाएगा, 2 × 100, l की जगह हम कितना है, 100l बनाने हैं, तो n जो है वेरिएबल है वो चेंज होता जाएगा, वो फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे l के लिए क्या है, 2 × 100, 200 मैचस्टिक लगेगी, ठीक है। अगर 50l बनाने हैं तो 100 मैचस्टिक लगेगी। ये हो गया 4 मैचस्टिक किसके लिए, अगर 2l बनाने हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ l, n = 1, 1l बनाना है, n = 1, l क्या बनाना है, 1 बनाना है।
तो इसके लिए क्या होगा, दो मैस्टिक लगेगी। अगर हमने दो एल बनाने हैं, दो एल बनाने हैं तो एन इज इक्वल टू टू, टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर, ठीक है। अगर एन इज इक्वल टू थ्री है, अगर हमने थ्री एल बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक लगेगी, फार्मूला तो वही रहेगा, टू इंटू थ्री इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स मैच। ये देखो एन जो है वेरिएबल है, ये चेंज होता जाता है, रूल वही रहेगा टू एन, क्यों, क्योंकि एल बनाना है हमें। यही अगर सी बनाना है तो उसके लिए रूल चेंज हो जाएगा, वन टू थ्री, थ्री एन के, ठीक है। अगर डबल, अगर टू सी बनाने हैं, ये देखो टू सी बनाने हैं या थ्री सी बनाने हैं या फोर सी बनाने हैं, ये देखो फाइव सी, ये ठीक है। तो अब कितनी है, वन टू थ्री, अगर एक बनानी है, अगर एक सी बनानी है, अगर सी एक बनानी है तो थ्री इंटू वन कितनी मैस्टिक लगेंगी, थ्री। अगर टू सी बनानी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री इस पे कितनी लगेगी, थ्री इंटू कितनी हो गई, तीन एन, ठीक है, नाइन हो गई। यही इसके अकॉर्डिंगली जो है, अगर थ्री बनानी है, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अगर थ्री सी बनानी है तो कितनी मैचस्टिक लगेंगी, नाइन। इसी तरह अगर हमने फिफ्टी सी बनानी है, फिफ्टी सी बनानी है तो क्या होगा फार्मूला, थ्री एन, एन इंटू कितना है फिफ्टी, कितनी लगेगी मैचस्टिक, वन फिफ्टी, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू जितने नंबर ऑफ एल है, एज्यूम एन, ठीक है, पी इज इक्वल टू, अब वो कहते हैं सम ऑफ द लेटर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर वन गिव अस द सेम रूल एज अ गिवन बाय एल। अब उसने कहा है कि जो एल पे कितनी मैचस्टिक लगी है, दो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर वन पे ऐसा कौन सा लेटर है जिस पे दो मैचस्टिक लगी है। अब टी क्या है, टी एक ऐसा अल्फाबेट है जिस पे कितनी मैचस्टिक लगी है, दो, टू एन। और कौन सा है, वी, फर्स्ट क्वेश्चन में दी पार्ट जो है वी, इसमें कितनी लगी है, वही फार्मूला, दो मैचस्टिक लगी है। और कोई अल्फाबेट है एस, ए के लिए कितनी लगी है, ये देखो ए के लिए, ए के लिए कितनी मैचस्टिक लगी है, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स मैचस्टिक, ठीक है, एक एक के लिए सिक्स लगी है, ओके। कहते गिव अस द रूल बाय एल, एल के लेटर्स जो है उसके अकॉर्डिंगली टू एन, वही फार्मूला जो एल में यूज किया वो किस किस लेटर में है, टी और वी में, विच आर दिस, टी और वी। कहता व्हाट, व्हाई डज दिस हैपन, कि मतलब जितनी वेरिएबल जो है, एन जो है एक वेरिएबल है जो चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ये चेंज होगा। अगर अल्फा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइव एन का, वन टू थ्री फोर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, विच आर दीज, जैसे एस के लिए कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव, एस के लिए, ए के लिए सिक्स एन, ठीक है, ए के ए बनाना है तो सिक्स लगेंगी, अगर दो बनाने हैं तो क्या लगेगा, सिक्स, एक के लिए टू इंटू सिक्स कितनी हो गई, बारह मैचस्टिक लगेंगी। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट जो है वो मैचस्टिक जो है चेंज होती जाएगी, जैसे एल और सी और एफ इन तीनों के लिए अलग अलग मैचस्टिक का यूज होगा, ओके। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।